हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं फाइनली बात करने वाला हूं बिहार एसएससी रिजल्ट के ऊपर ठीक है फ्रेंड आखिर बीएसएससी ने कैसे पास किया बावन हज़ार सात सौ चौरासी कैंडिडेट को तो फ्रेंड इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बिलाइकन को प्रेस कर दीजिएगा ठीक है इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले मैं बात करूँगा टोटल पोस्ट की ठीक है फ्रेंड और अलग अलग तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में देखिए फ्रेंड ये राजस्व कर्मचारी का जो है तैंतालीस सौ तिरपन पद था वही मैं बात कर लूँ पंचायत सचिव की तो इकतीस सौ इकसठ पद था ठीक है कनीय लेखा लिपिक का चार सौ सतासी पद पद था ठीक है फ्रेंड अगर आप इसे टोटल काउंट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आठ हज़ार एक जो कि ये आपका नन टाइपिंग पोस्ट के अंतर्गत आती है इसमें फ्रेंड फाइनल डायरेक्ट सिलेक्शन होगा ठीक है और उसके बाद देखिए फ्रेंड टाइपिंग वाले पोस्ट की तो टाइपिंग वाले पोस्ट जो है फ्रेंड इकतालीस सौ उनचालीस फ्रेंड इसमें सभी तरह के टेक्निकल पोस्ट आ जाएंगे कहने का मतलब जैसे कि शॉर्ट हैंड वगैरह हो गया टाइपिंग है ना हिंदी इंग्लिश जो भी है इसमें इकतालीस सौ उनचालीस पोस्ट है ठीक है तो फ्रेंड टाइपिंग वाले पोस्ट टोटल हो गया आपका इकतालीस सौ उनचालीस वही मैं बात कर लूँ फ्रेंड फिजिकल वाले पोस्ट की तो ये आपका हो जाएगा नौ सौ अस्सी ठीक है यानी कि वनरक्षी का नौ सौ अस्सी अगर आप इसे टोटल काउंट करेंगे फ्रेंड तो ये आपका हो जाएगा टोटल पोस्ट तेरह हज़ार एक सौ बीस ठीक है टोटल पोस्ट आपका कितना हो गया फ्रेंड तेरह हज़ार एक सौ बीस और बिहार एस एस सी ने क्वालीफाई किया है टोटल कैंडिडेट बावन हज़ार सात सौ चौरासी ठीक है आप भी सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है तो चलिए मैं फ्रेंड इसी पर पूरी डिस्कशन आज करने वाला हूँ तो तो देखिए फ्रेंड ये बिहार एस एस रिज़ल्ट का क्या फॉर्मूला हो सकता है तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे नन टाइपिंग पोस्ट की मैं बात करूँ तो नन टाइपिंग में आपका आठ हज़ार एक ऐसे कैंडिडेट होगा जिनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है ठीक है और टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए फ्रेंड अगर मैं बात कर लूँ तो इकतालीस सौ उनचालीस पोस्ट है इसमें आप दस से गुना कीजिएगा तो ये आपका टोटल हो जाएगा इकतालीस हज़ार तीन सौ नब्बे यानी कि इकतालीस हज़ार तीन सौ नब्बे ऐसे कैंडिडेट इसमें सफल हुए होंगे जिनका फ्रेंड फाइनली टाइपिंग होने वाला है ठीक है और वही मैं बात कर लूँ फ्रेंड फिजिकल और फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि इकतालीस हज़ार तीन सौ नब्बे को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है टाइपिंग वाले पोस्ट के के लिए तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं अभी तक मैं जो भी देख रहा हूं टाइपिंग वाले पोस्ट पे ठीक है जैसे कि एसएससी हो गया या कोई भी हो के बी एस वगैरह एन बी एस जिस किसी का भी हो फ्रेंड एल डी सी का अगर उसमें वैकेंसी आती है तो उसमें दस गुना ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है जिनका टाइपिंग टेस्ट होने वाला रहता है ठीक है तो इसी मैं दस गुना लिया हूँ ठीक है दस गुना लिया हूँ तो फ्रेंड इकतालीस या तीन सौ नब्बे हो जाता है अब मैं बात कर लूँ फ्रेंड फिजिकल वाले पोस्ट की तो फिजिकल वाले पोस्ट में नौ सौ अस्सी गुने तीन मैं इसलिए किया हूँ फ्रेंड क्योंकि इसका जो फिजिकल होता है फ्रेंड उतना हार्ड नहीं होता है ठीक है जैसे कि बिहार पुलिस ये समय फ्रेंड पाँच गुने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है फिजिकल के लिए इसमें तीन गुना ही सिलेक्शन किया जाएगा ठीक है तो ये आपका हो जाता है उनतीस सौ चालीस ठीक है देखिए फ्रेंड और अगर टोटल सीट की बात करूँ तो तेरह हो गया और जब आप इसे टोटल काउंट कीजिएगा ना फ्रेंड तो ये आपका आ जाएगा बावन हज़ार टोटल सीट अगर आपका टोटल क्वालिफाई की बात करूँ तो फ्रेंड ये आपका हो जाएगा बावन हज़ार तीन सौ इकतीस जबकि रिज़ल्ट बीएसएससी ने बावन हज़ार सात सौ चौरासी का डिक्लेयर किया है तो फ्रेंड आपको भी पता चल गया होगा कि बिहार एस क्यों ऐसा किया है ठीक है फ्रेंड तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की